अलवर के टपोगड़ा थाना क्षेत्र के बूबका हेड़ा गांव में मकान में सो रहे दादी पोते की कपास में आग लगने से झुलस कर मौत हो गई। घटना के बाद ग्रामीणों ने बड़ी मशक्कत से शवों को बाहर निकलवाया। दादी पोता के झुलसने से गांव में कोहराम मच गया। टपोगड़ा पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर मोर्चरी में रखवाया और टपोगड़ा थाना पुलिस मामले की जाँच में जुटी है। मकान के एक कमरे में 55 साल की बुजुर्ग महिला मरियम अपने 4 साल के पोते आईजाज के साथ सर्दी की वजह से रजाई ओढ़कर सो रही थी। कमरे में मोमबत्ती जल रही थी, तभी रात में अचानक मोमबत्ती कमरे में रखी कपास पर गिर गई और कमरे में ही जेरिकेन में भरा डीजल रखा था जिसने आग पकड़ ली। आग की वजह से दादी पोते झुलस गए और कमरे में धुआं और आग की लपटें दिखाई देने के बाद ग्रामीण और परिजनों ने उन्हें कमरे से बाहर निकाला और अस्पताल लेकर गए, जहां मरियम की मौत हो गई। आईजाज की गंभीर अवस्था में रेफर किया गया तो रास्ते में उसकी भी मौत हो गई। पुलिस ने फिलहाल मृतकों के पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सौंप दिए हैं। हेड कांस्टेबल गजराज सिंह ने बताया कि बूबका हेड़ा गांव में कमरे में मोमबत्ती से कपास और अन्य सामान जल गया था, जिसमें 4 साल के पोता आईजाज और 55 साल की दादी मरियम की झुलसने से दर्दनाक मौत हो गई है। बूबका हेड़ा में किसी मकान में आग लग गई, जिस पर मौके पर पहुंचे पुलिस थाना टपोगड़ा के SHO IC थाना और मौके पर श्रीमान CO साहब भी आ गए थे। मौके पर पहुंचे, वहां घटना के बारे में मालूमात किया तो लोगों से पता चला कि जो ये एक कमरा बना हुआ था मकान में, मुमताज का मकान है, उसमें कमरा बना हुआ था, जिसमें एक बुजुर्ग महिला जिसकी उम्र लगभग 55 साल, मरियम नाम की, अपने पोते को रिजाई में लेकर बिस्तरों पर सोई हुई थी और बगल में कमरे में एक आड़े में मोमबत्ती रखी हुई थी, जिसके नीचे कपास और खेतों में कृषि में कार्य करने के काम आने वाला लगभग 3-4 लीटर एक जरीकेन में डीजल रखा हुआ था। मोमबत्ती के गिरने से कपास में और जरीकेन में आग लगने से बुरी तरह से आग फैल गई और नींद के कारण उनको पता नहीं चला। जब पूरी तरह से वो जल गए, धुआं बाहर निकली तो लोगों को पता चला, जब कोशिश करके उन्होंने बुझाया। इस घटना में मरियम नाम की महिला पूरी तरह झुलसने से उसकी मृत्यु हो गई और बच्चा ज़्यादा 80-90% झुलसने से उसको रेफर कर दिया गया था, जिसकी भी रात को ही मौत हो गई और अब उनका सुबह टपोगड़ा CHC से पोस्टमार्टम करा दी गई है।